Hello friends, how are you? Welcome back to my channel. If my videos are informative for you, please do subscribe my channel. आज का टॉपिक है विश्व मुस्कान दिवस पर हिंदी निबंध. विश्व मुस्कान दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के शुक्रवार को मनाया जाता है. इस साल 2024 में यह दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिवस का आइडिया आर्टिस्ट हार्वे बॉल को आया था. वे ही सन 1963 में स्माइलिंग फेस बनाने के लिए फेमस हुए थे और उनके मन में यह दिवस मनाने का विचार आया था. विश्व मुस्कान दिवस सन 1999 में पहली बार मनाया गया था. फिर सन 2001 में हार्वे बॉल के निधन के बाद हार्वे बॉल वर्ल्ड स्माइल फाउंडेशन द्वारा उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मुस्कुराने तथा उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए प्रोत्साहित करना है. यह दिवस लोगों को मुस्कुराने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे विश्व में मनाया जाता है. खुशियां बांटने से ज़्यादा बढ़ती हैं. सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है. शांति की शुरुआत ही मुस्कान यानी स्माइल से होती है. जिंदगी में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है. मुस्कुराने से तनाव मुक्त और खुश रहते हैं, इसलिए मुस्कुराना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इस दिन विद्यार्थी भी विद्यालयों में स्माइली के अलग अलग चेहरे बनाकर खुश होते हैं. मुस्कुराहट में बहुत ताकत होती है और इसी कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिससे लोगों की मुस्कान बरकरार रहे. इस दिवस पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आए और सकारात्मकता को बढ़ावा मिल सके. विश्व मुस्कान दिवस मनाकर लोगों को मुस्कुराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस दिवस का उद्देश्य लोगों में खुशियां बांटना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.